Equipotential surfaces. देखो नाम से ही समझ में आ रहा है पहली बात तो कि इक्वी मीन्स इक्वल पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल विभव और उसके बाद सरफेस मीन्स वो भी तुम जानते हो लेकिन एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन कुछ और होती है। एक्चुअल में डेफिनेशन जैसे बुक्स वगैरह में तुम्हें मिलेगी कि ऐसे सर्फेसेस जहाँ पर हर जगह पर पोटेंशियल इक्वल हो हम वो डेफिनेशन नहीं लिख सकते। वो डेफिनेशन इस वजह से नहीं लिख सकते क्योंकि हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो तो मल्टीपल भी हो सकती हैं चीज़ें नॉन मल्टीपल भी हो सकती है मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए या एक होल के लिए चीज़ें हमारी जो हैं वो कई सारी किसी भी तरीके से हो सकती हैं तो हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे लेकिन पहले थोड़ा फील करते हैं इसको डेफिनेशन हम लिखा देंगे अभी पहले हम समझते हैं इसको। देखो मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। हम अगर तुमसे पूछें कि एक पॉइंट ए यहाँ पर है और एक बी पॉइंट यहाँ पर है तो दोनों का पोटेंशियल कैसा है सेम है डिफरेंट है क्या है सेम पोटेंशियल इक्वल। हम थोड़ा इसको लॉजिकली समझते हैं कॉन्सेप्ट समझते हैं ना एक एक कॉन्सेप्ट क्योंकि वो सारे एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे यूज होंगे। पहली बात तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बनाई जाती है तो सोर्स जो हमारा कंसीडर होता है वो कंसीडर होता है कि कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। याद करो टेंथ क्लास की ऑप्टिक्स जब तुम रे ऑप्टिक्स वगैरह के डायग्राम बनाते हो तो वहाँ तुम्हें सिखाया जाता है कि जो सोर्स हमारा इनफाइनाइट पे रखा हुआ है उससे रेज कैसी आती हैं पैरेलल सारी रेज हमारी पैरेलल आती हैं तो वही सेम सोर्स हमारा यहीं पर है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म बना रहे हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम लिखा देंगे। चलो अभी यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका क्लियर मीन्स हमारे दिमाग में होना चाहिए कि सोर्स हमारा कहाँ पर है इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट सोर्स का भी यार ये मतलब समझने लगना कि कहीं पर आकाश में रखा हुआ है यूनिवर्स में हम बता चुके हैं इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म ठीक है। इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है इनफाइनाइट का मतलब हमारी इनफाइनाइट सीट हो सकती है इनफाइनाइट वायर हो सकता है तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो हम ए और बी का जो पोटेंशियल कह रहे हैं वो किस बेसिस पर कह रहे हैं सेम है तो कोई डेफिनेशन और फलाना ढिमकाना कोई भी मैथमेटिकल चीजें हम नहीं लगा रहे हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कोई टेस्ट चार्ज अगर हमारे पास क्यू नॉट है उसको इन्फिनिटी से अगर हम लेके आ रहे हैं तो पैरेलली यहां तक भी लेकर के आएंगे पैरेलली यहां तक भी लेकर के आएंगे तो दोनों में जो हमारा काम करना पड़ेगा जो वर्क हमको करना पड़ेगा वो वर्क बिल्कुल सेम होगा। तो वी ए और वी बी हमारा जो पॉइंट्स हैं वो एट सेम पोटेंशियल पर है सेम पोटेंशियल पर। तो अब इसको थोड़ा सा समझो जरा ऐसे कि सपोज दैट कि हम बात कर रहे हैं ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और हमने तुमसे कहा कि ये पॉइंट एक ए है जो हमने भी बात करी और एक ये पॉइंट बी है हमारा ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से बात करी कि ये हमारा जो लाइन हो गई ठीक है लाइन ऐसी कई सारी हैं और एक वो पॉइंट ए बना हुआ है और एक पॉइंट नीचे बी बना हुआ है तो क्या ए और बी पॉइंट किसी सरफेस में लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो सरफेस तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो सरफेस दिख रहा है वो सरफेस बिल्कुल हो सकता है हमारा कि ये दोनों पॉइंट्स एक प्लेनर सरफेस पर लाई कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से और एक बार कान खोल के सुन लो जो अभी पढ़ रहे हो यही वेव ऑप्टिक्स में एज इट इज पढ़ाएंगे बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज बनाएंगे वेव फ्रंट जब तुम पढ़ोगे तो वहां बिल्कुल दो मिनट में हम खत्म करेंगे अगर तुम क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि तुमने ये अच्छे से सीखा हुआ होगा ठीक है। आकाश हाँ तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे 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 कि ये कोई प्लेनर सरफेस है प्लेनर सरफेस में ये हमारे यहाँ पर दो पॉइंट्स लाई गए ठीक है पहले समझ लेते हैं फिर एक एक चीज हम कहीं दूसरे पॉइंट की भी बात कर सकते हैं ये दो पॉइंट्स की बात करें तो ये दोनों भी हमारे सेम पोटेंशियल पर होंगे तो इसके लिए भी हम ऐसे प्लेनर सरफेस बना सकते हैं। ये तो हो गई एक बात हमारी ठीक है पहली बात सोर्स इनफाइनाइट पे था छोटी छोटी चीजें हमने सीखी। इनफाइनाइट सोर्स का सिंपल मतलब हमें ये समझ में आ रहा है
कि लाइंस हमारी पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइंस के लिए हम प्लेनर जैसा कोई सरफेस बना रहे हैं तो वहां पर हमें पोटेंशियल सेम दिख रहा है। चलिए ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जरा देखते हैं, अगर ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, इसका मान लो प्लस चार्ज है प्लस क्यू, तो पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें पता है ऐसे ऐसे यूं यूं ऐसे ऐसे, ठीक है। हम कोई एक आर वन डिस्टेंस ले लें, कोई एक आर वन डिस्टेंस ले लें, उस आर वन डिस्टेंस पर अगर हम फील्ड लिखना चाहें या पोटेंशियल लिखना चाहें, हम पोटेंशियल अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर वन, ठीक है। तो ये आर वन डिस्टेंस पर यहाँ 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 सब डिस्टेंस बराबर होंगी, ये भी आर वन ये भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेडियस की, तो आर वन डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो हमारा सब जगह सेम होगा। तो हम अगर ये सारे आर वन पॉइंट्स को मिला दें तो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा या स्फेयर बनेगा? क्लियर हो जाएगी अभी बेटा, सही हो जाएगी अभी अपने आप, ओके अरे अपने आप सही हो जाएगी वो, ठीक है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी तरफ है। तो अगर हम सारे इक्वल रेडियस वाले टर्म को अगर हम ड्रॉ कर दें, सारे पॉइंट्स को मिला दें, तो वो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा या स्फीयर? क्लियर है, स्फीयर बनेगा, है ना। तो हम जरा ये समझें, तो क्या एक ही स्फीयर होगा हमारे पास या कई सारे स्फीयर हो सकते हैं? मान लो आर टू रेडियस पे स्फीयर बनाओ, तो वेट, हाँ डिस्टेंस अगर हम अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं, अब ये आर टू रेडियस का तुमने स्फेयर बना दिया तो स्फेयर हमारा वहां पर भी सेम होगा। अब देखो बात ये होती है कि अगर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने, तुम लोगों ने ये वर्ड सुना है कभी, लोकस, लोकस वर्ड सुना है मैथमेटिक्स स्टूडेंट? लोकस वर्ड एक्चुअली होता है क्या, मैं बता दूं, लोकस का हिंदी मतलब होता है बिंदु पथ, मतलब पाथ ऑफ द पॉइंट्स। तो बुक्स वगैरह में लिखा रहता है ऐसे सर्फेसेस जहां पर पोटेंशियल सेम हो, ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम, हमारी जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम है, लेकिन बात ये है कि हम वो सर्फेस बना कैसे पा रहे हैं। देखो हमने एक पॉइंट कंसीडर, अगर सोचो अगर हमने एक बड़ा सा सर्फेस कैसे बनाया होगा, एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किया होगा, ये चार्ज ले लो, ये इसकी टिप को चार्ज समझना, पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट यहाँ लिया होगा, सेम आर वन डिस्टेंस पे यहाँ लिया होगा, सेम आर वन पे यहाँ लिया होगा, सेम आर वन पे यहाँ 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 सब तरफ लिया होगा, फिर उन सारे पॉइंट्स को हमने कंबाइन किया होगा, तब हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना होगा। तो वहां पर लोकस वर्ड हमारा यही डिफाइन करता है, लोकस मीन्स कोई पॉइंट कहाँ कहाँ पर चल सकता है, कोई पॉइंट्स को आप कंबाइन करके क्या बना सकते हो, तो डेफिनेशन में हमारा लोकस वर्ड जरूर आएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात हमारे पास, हमने इसके लिए भी समझ लिया, हमने इसके लिए भी समझ लिया, सब बनाएंगे अभी हम, ठीक है, लिखना नहीं कुछ भी। अब एक और हमारे पास आ गया, मान लो हमारे पास लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक, इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर है हमारे पास में, तो हमें पता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर, किसी इक्वल डिस्टेंसेस पॉइंट पर अगर हम ले लें, तो वो हमारी ऐसे पैरेलल होती है, यूं यूं इस तरीके से। तो इसके लिए हमारे जो सरफेसेस बन जाएंगे वो किस तरीके से बनेंगे, सिलेंड्रिकल बन जाएंगे इस तरीके से, कई सिलेंडर्स बन सकते। तो तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे सिलेबस में रहते हैं, और मतलब तीन ही रहते ही हैं, बाकी हम कंसीडर नहीं करते हैं, एक तो प्लेनर हो गया, दूसरा हमारा हो गया स्फेरिकल, तीसरा सिलेंड्रिकल हो गया। और हम क्या एक चीज समझ रहे हैं, एक प्रॉपर्टीज भी अभी समझते जाओ, प्रॉपर्टीज भी समझते जाओ। जैसे कि मान लो जेई का क्वेश्चन एक बता रहे हैं, 4-5 साल पहले आया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बने हुए हैं, क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा जहां भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस बने होंगे। क्वेश्चन ये था कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर के हम जा रहे हैं, वर्क डन कितना होगा, ए और बी पे पोटेंशियल है हमारा सेम, तो वर्क डन होता है डेल्टा वी का टर्म आता है, जब हमारा पोटेंशियल ही सेम है तो हम क्या करेंगे, जब हमारा पोटेंशियल ही सेम है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या लिखी थी, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जब पोटेंशियल ही हमारा सेम है
और ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, तो ये वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू जीरो, ये और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये था कि अगर हम उसी सेम चार्ज को ए से सी तक लेकर के जाएं या बी से सी तक लेकर के जाएं तो वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताओ? करना पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर सिर्फ हम एक बात कर रहे हैं, एक ही, जैसे ये आर वन डिस्टेंस वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके अंदर कहीं भी तुम कुछ भी वर्क करो दैट विल बी जीरो। बट दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर तुम एक से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस में जा रहे हो तो भाई वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट सेम पोटेंशियल पर है, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा इसके कंपेयर में सेम पोटेंशियल पर नहीं है, क्योंकि ये के क्यू बाई आर वन है और ये के क्यू बाई आर टू, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम सारे डायग्राम्स ऑब्जर्व करो, सारे डायग्राम्स, तो जो तुम्हारा पोटेंशियल सरफेस है वो लाइन से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? 90। जो ग्रेडियंट पढ़ा था तो एक हम लोगों ने टर्म लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे कुछ लिखा था ना हम लोगों ने टर्म? हाँ भाई, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां हमें क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात को सीखेंगे और उससे बेस्ड हमारे डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम के क्वेश्चंस। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितने एंगल पर एंटर करेगी, कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर। कोई बात नहीं आयुष, जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, देख लेना तुम बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज देख रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कहीं बना हुआ है हमारे पास, जैसे तुमसे हम कह दें कि ये चार डायग्राम बना के दे, देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लाइंस बना दे, ये एक डायग्राम, ये बना दे, एक डायग्राम ऐसे बना दे, एक डायग्राम ऐसे बना दे और एक डायग्राम कुछ और बना दे, तो तुमसे पूछेगा कि कौन सा सही है ऑप्शन, तो हमें क्लियर दिखेगा ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर लाइन 90 डिग्री नहीं बना रही, यहाँ भी लाइन 90 डिग्री नहीं बना रही, वहां सिर्फ 90 डिग्री बना रही है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो पहले सारे समझ ले रहे हैं फिर हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बात बताओ, क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर सकते हैं? क्या कट कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कट कर सकते? मान लो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कट कर रहे हैं, हमने इस पॉइंट चार्ज के लिए मान लिया कि हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट कर रहे हैं, हमने मान लिया कि ऐसे हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर कट कर रहा है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू एक होंगी या दो होंगी, कितनी होंगी? सेम हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी सोचो, दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल सरफेस और ये पोटेंशियल सरफेस कट कर रहा है, जो कि नहीं हो सकता, हमें पता है कि वैल्यू एक ही रहेगी, लेकिन अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू कुछ होगी केक्यू बाई आर वन टाइप की, दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू कुछ होगी केक्यू बाई आर टू टाइप की, लेकिन वो अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो नेसेसरली बात यार होनी चाहिए कि उस पॉइंट पर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारा। तो इसका कहने का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अब हेडिंग डाल लो, हम जैसे लिखा रहे हैं वैसे लिखो, ठीक है। पहला पॉइंट वाइज लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखो द लोकस ऑफ, द लोकस ऑफ, जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है, the locus of all the points having same potential, the locus of all the points having same potential, बस शॉर्ट में आगे बोल नहीं लिखना है, is known as equipotential surface, वो नहीं लिखना, is equipotential surface ये नहीं लिखना है, ठीक है। सेकेंड लिखो, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल। मैं 12th क्लास में यार ये सब रिपीट रिपीट मत कराया करो यार, तुम लोग बड़े हो यार, थ्योरी पता है दो यार, हम लोग भी पढ़ते थे, 1800 बच्चे पढ़ते थे एक क्लास में, 1800 क्या बोलता था टीचर पूरा सम, तो
कहानी बना लेते थे दो शब्द सुन के, तो वो टेंडेंसी भाई तुम लोग, टाइम बचता है उससे। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कुड बी इन एनी नंबर, इक्विपोटेंशियल सरफेस कुड बी इन एनी नंबर, इक्विपोटेंशियल सरफेस कुड बी इन एनी नंबर बोल सकते हैं, लेकिन यार इनफाइनाइट पे जाकर के नेचुरली हमारा पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, तो हम उसको नहीं बोलने तो ज्यादा ही बेटर है, क्योंकि जब वहां पोटेंशियल ही नहीं है तो। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर तुम बना रहे हो, जैसे सोर्स चार्ज के लिए एक ये बनाया, तो इसी के बीच में इनफाइनाइट आ जाएंगे। अभी की तो बात बहुत हमें पता है, लाइंस, लाइंस पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर कितने भी हम स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, तो वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, हम प्रॉपर्टीज भी लिखते जा रहे हैं इसी में साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो इसको थोड़ा लॉजिकली देख लेते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने ग्रेडियंट के केस में लिखा हुआ था कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये लिखा था ना हम लोगों ने, वी ए माइनस वी बी, यहाँ माइनस साइन आता है तो हमने वी ए माइनस वी बी लिखी है, वी बी माइनस वी ए लिखने के बजाय। अच्छा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इक्वल्स वी बी होगा, वी ए जीरो हो जाएगा, तो हमारा कहने का मतलब है ई डॉट डी आर इक्वल्स जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, लिख लो जल्दी से, मतलब हमें लॉजिकली भी पता होना चाहिए और हमें फील करके भी पता होना चाहिए कि हाँ दिख रहा था, जब डायग्राम बनाए थे तब भी हमें दिख रहा था कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, a test charge over an equipotential surface, over an equipotential surface, ऐसे लिख लो, vb minus v is equal to w upon q naught for equipotential surface vb equals va, ठीक है, हमारा जीरो हो जाएगा, तो w upon q naught is equal to zero, so w is equal to zero, properly लिखना, ठीक है, क्योंकि ये equipotential surface दो नंबर में लगभग लगभग हर साल आता है, या इसका question तुमको जरूर मिलेगा, तो थोड़ा सा properly लिखना। next point लिखो, next point, equipotential surface gives, equipotential surface gives, gives the information about, the information about the information about the strength of electric field,
इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हम लोगों ने लिखा था E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, ठीक है, डीवी अपॉन डी आर हम लोगों ने लिखा हुआ था। चेंज हमारा हर जगह पर जीरो, या हम ये कह लें कि चेंज कांस्टेंट वगैरह कुछ भी कह लो, तो हम यहां पर एक चीज लिख सकते हैं कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर, ठीक है, फॉर ग्रेडियंट। वैसे E प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन ग्रेडियंट के टर्म में हम लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे ना लिख करके इस तरीके से लिख डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन ई, डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन ई। कहने का मतलब है कि अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस अगर दूर दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि ये डी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आर इज रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, है ना, क्योंकि डी आर यहां पर चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है, तो यहां पर डी आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच की डिस्टेंस क्या है। डी आर जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी, लिख लो लाइन से, लिखो या लैंग्वेज फॉर्म में, क्लोजर द सर्फेसेस higher will be electric field and वर्षा की वाइस, ठीक है, वर्षा की वाइस, नेक्स्ट लिख लो, नो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कट ईच अदर, और इसका तुम लॉजिक अपने आप लिखना, चार लाइन छोड़ देना, ठीक है, नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कट ईच अदर, तो कल शायद हम लोग लिख चुके थे ना शायद कि कल या परसों क्या लिखा था हम लोगों ने कि पोटेंशियल किधर से किधर फ्लो होता है हायर, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, हायर से लोअर की तरफ पोटेंशियल, तो उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो चाहो तो अच्छा लिख लो यहां पर प्रॉपरली, लिख लो शॉर्ट में लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चंस में उस दिन हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो इसी में, टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इसकी थ्योरी का हालांकि वेव फ्रंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लाइट सोर्सेज भी हमारे पास एक्चुअली ऐसे ही होते हैं, कोई इनफाइनाइट पे रखा है लाइट सोर्स तो पैरेलल रेज आती हैं, पॉइंट सोर्स अगर हमारे पास रखा है तो लाइन सारी तरफ जाती हैं, तो वो मिलता जुलता चीज होगा हमारे पास में, इसलिए ध्यान से अभी पढ़ लोगे तो बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेस, फर्स्ट लिख लो फॉर सोर्स एट इनफाइनाइट, अगर सोर्स हमारा इनफाइनाइट पर है तो, लिख लो प्लेनर सर्फेसेस, या स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, कुछ गलत गलत हो तो अपने आप सही कर लेना, प्लेनर सर्फेसेस, ठीक है, दोनों ही चीजें तुम ध्यान रखोगे कि अगर प्लेनर सर्फेसेस हैं तो सोर्स इनफाइनाइट पे है, और अगर सोर्स इनफाइनाइट पे है तो ये चीज जरूर ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, और लाइन्स हमारी सारी पैरेलल होंगी, ठीक है,
ये अपने वर्ड्स में लिख लो कि अगर सोर्स हमारा इनफाइनाइट पर है तो प्लेनर सर्फेसेज होंगे, रिवर्स भी तुमको इसका याद रखना चाहिए, और अगर सोर्स इनफाइनाइट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और जो रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो पैरेलल टाइप का होगा। अभी तुम कुछ क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। डायग्राम बना लो इसका, ठीक है। अब यहां से देखो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं कि अगर यहां से यहां हमें ले जाना हो तो वर्क डन हमारा जीरो होगा, परपेंडिकुलर लाइन पर अगर दो पॉइंट हमारे हो तो वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो ये सारी चीजें हमें अब क्लियर हो जाएंगी फॉर सोर्स एट इनफाइनाइट, अगर सोर्स हमारा इनफाइनाइट पर है। दूसरा लिखो फॉर पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स की हम बात करें तो सिंपल है, अब तुम खुद ही लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख लेना स्फेरिकल, और जितने भी स्फेरिकल सर्फेसेस होंगे उनका सेंटर कॉमन होगा या डिफरेंट होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, अरे बोलो भाई कैसा होगा, हाँ सेंटर सबके सेम, कोसेंट्रिक स्फेयर्स होंगे। क्या आवाज सभी को लैग कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है कुछ, गायब, चलो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो इसका डायग्राम बना लो, ज्यादा लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है हमें, बस इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट लिख लो फॉर इनफाइनाइट सोर्सेस, इसको तुमको ऐसे याद करना है, ठीक है, बहुत दिमाग मत चलाना इसमें। सही से बनाना, ठीक, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, तब भी मोस्टली सिलेंड्रिकल ही होती हैं। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखते हैं तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी हमारी बाहर की तरफ ही आती है ना। शीट जैसे ये मान लो ये शीट रखी हो, तुमने पढ़ा था डेरिवेशन, क्योंकि वो इधर और इधर इनफाइनाइट है हमारे पास में, किधर भी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर फील्ड कितनी आती है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, और वो डिस्टेंस पर मैटर नहीं करती, ये भी हमने पढ़ा था। तो डिस्टेंस पर जब मैटर नहीं करती तो यहाँ 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 सब जगह फील्ड होगी सेम, तो उसके लिए भी तुम बनाओगे तो एक सिलेंडर जैसा ही बनेगा, है ना, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि दो चार्ज के लिए कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और प्लस प्लस के लिए, प्लस माइनस के लिए, तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब वहां डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास ये तीन टाइप के इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, इनके बारे में छोटी छोटी चीजें हमको रटी होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो मीटिंग